अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग इंटरनेट प्रोपगेशन कोर्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स क्विकली ओपन दिस अप। सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, इट इज़ गोइंग टू बी आवर 7th ऑनलाइन लेक्चर, और ओवरऑल इट इज़ लेक्चर नंबर 22। एंड दिस इज our chapter number 4। so basically ये जो chapter है, chapter number 4, it's about linear wire antennas, और हम कोशिश करेंगे इसको 2 weeks के अंदर conclude कर दें। तो इस हफ्ते which is going to be the lecture number 22, 23 and 24, हम half of the portion हम cover करेंगे, और फिर जो remaining 3 lectures होंगे in week 9, हम उसके अंदर इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। सो द कंटेंट्स आर, विल टॉक अबाउट इनफाइनाइट एसिमल डायपोल, स्मॉल डायपोल, फाइनाइट लेंथ डायपोल, हाफ वेवलेंथ डायपोल, एंड एट द एंड विल हैव अ टॉपिक विच इज द लीनियर एलिमेंट्स नियर और ऑन इनफाइनाइट परफेक्ट कंडक्टर्स। इस हफ्ते विल ट्राई टू फिनिश दीज 3 टॉपिक्स, और नेक्स्ट वीक हम इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, और अगर हमें टाइम मिला तो वी विल लुक एट सम एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स एज वेल। अदरवाइज आई कैन गिव यू एन असाइनमेंट फॉर यू टू एक्चुअली हैव सम प्रैक्टिस। तो आज का जो टॉपिक है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट इनफाइनाइट एसिमल डायपोल। एज द नेम सजेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी स्मॉल डायपोल, जो कि बिल्कुल इसकी जो लेंथ है, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। इसको हम हर्ट्जियन डायपोल भी कहते हैं, जिसमें हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा, इट विल बी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इनफाइनाइट एसिमल डायपोल। सो इनफाइनाइट एसिमल डायपोल इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट, और इसको हम हर्ट्जियन डायपोल भी कहते हैं। जो ये आपके पास हर्ट्जियन डायपोल है, इसकी जो लेंथ होती है, इट इज़ नॉर्मली लेस देन लैम्डा बाय 50। अगर किसी हर्ट्जियन डायपोल की हम बात करें, या इनफाइनाइट एसिमल डायपोल की बात करें, उसकी लेंथ जो होगी, इट विल बी लेस देन 50th ऑफ द वेवलेंथ। सो द स्पेशल वेरिएशन ऑफ द करंट इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, दैट इज आई इन द जी डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट। ये बात हम इसलिए करते हैं कि हम जो हर्ट्जियन डायपोल है, वी प्लेस इट एट द सेंटर ऑफ द ओरिजिन। ये जो 0 पे हमने इसको रखा, यहाँ पे तो इसका एक फाइनाइट लेंथ शो हो रही है, बट एक्चुअली इसकी लेंथ जो है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और ये जो एंटेना है, इसका जो डायमीटर है, इट इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। इट मीन्स इट हैज़ नो एक्स एंड वाई कंपोनेंट, इट ओनली एग्जिस्ट इन जी डायरेक्शन। एंड सिंस इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, द करंट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अलॉन्ग जी एक्सेस एज वेल, दैट्स वाई इट इज़ हैविंग अ यूनिट वेक्टर AZ। और चूंकि ये जो इसकी लेंथ है, इट इज़ वेरी स्मॉल, वी कैन हैव द करंट डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटेड बाय अ कॉन्स्टेंट करंट, विच इज़ I0, जो हम यहाँ पे I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास इनफाइनाइटेसिमल डायपोल होता है, इसको कैपेसिटिव प्लेट एंटेना भी कहते हैं, इसको टॉप हैट लोडेड एंटेना भी कहते हैं। एज यू कैन सी, यू हैव योर दीज एंड प्लेट्स रिप्रेजेंटेड ओवर हेयर, और इसी में यही जो आपके पास इनफाइनाइटेसिमल डायपोल है, यहाँ पे इसकी इसको थोड़ा ज़रा बड़ा करके दिखाया हुआ है। Here you can see the length of the dipole is DL, which is representing it's a very small in length. और यहाँ पे आपके पास जो ends हैं, they are representing by these end plates where positive charge is accumulated at one end and the negative charge is accumulated at the other end. It's just like a capacitor. और ये जो आपके पास end plates हैं, they actually provide capacitive loading to maintain uniform current in the antenna. So that's why आपके पास जो हर्ट्जियन dipole है, इसके अंदर जो current distribution है, we can assume it to be constant. So, जो इनफाइनाइट एसिमल डायपोल्स हैं, दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज इन एक्चुअल दे डोंट एग्जिस्ट, बट वी एक्चुअली यूज इट टू एक्चुअली एनालाइज सम अदर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, जो हम आगे जाके देखेंगे कि जो इनफाइनाइट एसिमल डायपोल है, हम इसके ऊपर सारा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे आज के लेक्चर में, और बाद में जब हम फाइनाइट लेंथ डायपोल्स की तरफ जाएंगे, वी विल सी दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई इट टू अदर मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज। So before we actually start the discussion, we have to actually recall the auxiliary potential vectors A and F, जो हमने last time discuss किया था। If you remember, last time हमने ये 2 expressions देखी थी, where this magnetic vector potential was represented by this volume integral, और जो आपके पास electric vector potential F था, that was represented by this volume integral। हमने इन 2 expressions के ऊपर अपने discussion को close किया था in chapter number 3। इसमें सिर्फ दो और
रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, बिकॉज वी गोइंग टू यूज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी पोटेंशियल फंक्शंस ANF. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास यहाँ पे J और M हैं, विच आर द करंट सोर्स एंड द इलेक्ट्रिक करंट सोर्स एंड द मैग्नेटिक करंट सोर्स, इफ दे एक्चुअली रिप्रेजेंट लीनियर डेंसिटीज, तो ये जो आपके वॉल्यूम इंटेग्रल्स हैं दे विल रिड्यूस टू सर्फेस इंटेग्रल्स. और ये जो सर्फेस इंटेग्रल है, अपार्ट फ्रॉम द इंटेग्रल्स बाकी सारी की सारी एक्सप्रेशन सेम होगी. एंड लाइकवाइज अगर आपके पास जो करंट है वो मैग्नेटिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट दे आर रिप्रेजेंटेड इन जस्ट वन लाइन, देन दिस सर्फेस इंटेग्रल विल बी रिड्यूस टू लाइन इंटेग्रल्स, जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं. नाउ वी हैव जस्ट अ लाइन इंटेग्रल एंड रेस्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन आर द सेम. अब इसको, इस फॉर्म को यूज करने का मेन मकसद क्या है कि हमारे पास इस वक्त जो सोर्स है इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. ये ना एक वॉल्यूम है ना ये एक सरफेस है, इट इज जस्ट अ लाइन. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल ए एंड एफ, इन दिस केस वी हैव टू कंसिडर द लाइन इंटेग्रल्स ओनली. सो जस्ट टू रिकॉल, अगर हमारे पास एक वॉल्यूम हो किसी भी एक सोर्स का, देन वी एक्चुअली गोइंग टू यूज द वॉल्यूम इंटेग्रल्स टू फाइंड ए एंड एफ. अगर हमारे पास कोई एक सर्फेस है, then in that case we are going to use surface integrals. और अगर हमारे पास एक line है, we are going to use the line integrals to find a and f. ठीक है, बाकी इसकी जो पूरी की पूरी form है it is same as the form that we discussed in detail in chapter number 3. So in case of Hertzian dipole, जो source है हमारा वो सिर्फ electric current है. There are no magnetic currents, we just have an electric current. So if we have only the electric current, then the magnetic current and the electric vector potential both will be equal to zero. Here you can see if your IM is zero, then your F will be zero. So only A, which is the magnetic vector potential, it will exist because we have a current which is electric in nature. So we have electric current that will give us the auxiliary potential function A. So हम इस केस में A को लिख सकते हैं. A is equal to mu over 4 pi line integral. This is the current and we know what the current is in case of Hertzian dipole. It is constant I naught, which is in the direction AZ, and e raised to power minus jk r over r dl. If you remember, हम लोगों ने last time जब इन इसकी बात की थी these point sources की, हमने इसको represent किया था by Cartesian coordinates like this, where this is my z direction, this is my x direction, this is my y direction. तो हमने कहा था कि अगर हम यहाँ पे इस point के ऊपर हैं, तो this origin is represented by x prime, y prime and z prime. And if my observation point is somewhere over here, तो ये जो distance है आपका, we call it as r. और ये जो point है, let me call it x, y and z. So ये जो r हमारे पास होगा, ये जो distance है, it is from the observation point to the origin, अगर हमारे पास यहाँ पे point source है. अब इस case में हमारे पास यहाँ पे एक Hertzian dipole है. Let me just draw a small dipole here. So this is my Hertzian dipole. And if we are at any point on this source, for example, हम यहाँ पे हैं. So in this case, इस point से इस observation point तक this will be distance r. और ये r हम कैसे find out कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ इन Hertzian डायपोल हमें पता है ये जो लेंथ ऑफ डायपोल है इट इज वेरी 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 स्मॉल. सो इन दिस केस हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं दैट आर इज कैपिटल आर इज इक्वल टू आर, इट शुड बी इज इक्वल टू आर लाइक दिस. एंड अदर देन दैट हमने एक चीज डिफाइन की थी कि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हम ड्रॉप करें एक्स वाई प्लेन पे, तो ये जो एंगल है दिस इज योर फाई एंगल एंड फ्रॉम योर जेड दिस इज योर थीटा एंगल. We've already seen this in our previous discussions. So in this particular case, x, y, z is the observation point coordinates. X prime, y prime, z prime is the coordinates of the source, which is the origin right here. And r is, capital R is the distance from any point on the source to the observation point. So ये जो source आपके पास given है, यहाँ पे किसी भी एक point पे अगर आप हैं, यहाँ से लेके इस observation point तक, this distance is called capital R. And C is the path along the length of the source. अब ये जो path है, ये basically इस path की बात हो रही है कि if you talk about this as a infinitesimal decipole length, so if you accumulate the overall, if you move on this line and you accumulate all these currents, you will find the auxiliary potential function A, which is over here. और इसमें जो ये current है, this is constant I naught.
और जो कि ये इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल है, इट इज़ एट द ओरिजिन, तो हमारे पास जो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम होगी इसकी वैल्यू होगी 0 0 0. सो वी टॉकिंग अबाउट दिस टू बी इक्वल टू 0 0 0, इट मीन्स इट इज़ द ओरिजिन. सो अगर हम ये कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, हाउ कैन वी फाइंड दिस? इट्स वेरी इजी, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, एक्स माइनस एक्स प्राइम होल स्क्वेयर, देन वाई माइनस वाई प्राइम होल स्क्वेयर, देन जेड माइनस जेड प्राइम होल स्क्वेयर. यू कैन फाइंड एंड यू टेक द स्क्वेयर रूट ऑफ इट, इट विल गिव यू कैपिटल आर, एंड वी नो दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर एज वेल, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी नो दैट डी एल प्राइम विच इज दिस, ये जो डी एल प्राइम है इट इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ दी डायपोल. और हमें पता है कि जो डायपोल इट सेल्फ इज वेरी वेरी स्मॉल, तो वी कैन से दैट दिस डी एल प्राइम इज नथिंग एल्स बट डी जेड. सो लेट्स इफ यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन विच इज दिस ओवर हेयर, दिस आई ई वी रिप्लेस इड बाई ए जेड आई नॉट ओवर हेयर, एंड दिस कैपिटल आर विद स्मॉल आर, चूंकि हमने ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन will reduce down to this expression over here. So I will not be solving it too much on the paper because it will take a lot of time. I will just explain things to you, and I would expect कि आप इसको खुद से भी देखेंगे. And if you have if still have some problem, you can actually you know get back to me on this. So in this case, all the terms other than z will be taken out. In this case, for mu over 4 pi. And this whole exponential divided by r will be taken out. I naught will be taken out because I is also a constant, and you will only have dz over here. This dl is replaced by dz, as you can see over here. So now you have this expression over. So integration of dz, and the limit is from minus l by 2 to l by 2. If you solve this integral, it will come out to be l. So you just have multiply this value by l. So this is the magnetic vector potential in case of a Hertzian dipole. Let me just write it down for you. A x y z, this is the rectangular coordinate, this is equal to a z, represent that it is only in the z direction, and mu I naught l over 4 pi r e is a minus j k r. So this is the magnetic vector potential in case of a Hertzian dipole. So हम अगर उस प्रोसीजर को रिकॉल करें जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम वेक्टर पोटेंशियल्स निकालते थे, और फ्रॉम दोज वेक्टर पोटेंशियल्स हम उससे ई और एच फील्ड को डिटरमिन कर लेते थे. तो अब वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दी ई एंड एच फील्ड ऑफ ऑफ अ हर्ट्ज़ियन डायपोल. सो आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी, वी सेड दैट द ओवरऑल एच फील्ड इज इक्वल टू एच फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल प्लस एच फील्ड ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक वैक्टर पोटेंशियल. इसी तरह जो ई फील्ड है, इट इज ई फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक वैक्टर पोटेंशियल प्लस ई फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक वैक्टर पोटेंशियल एफ. अब इस केस में हमें यह पता है कि एफ जो है दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई एम या मैग्नेटिक करंट जो है वो जीरो है. सो इफ दिस इज जीरो, एच एफ विल बी जीरो एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो. इट मीन्स H of A will be equal to your magnetic field and E of A will be equal to your electric field. तो हमने H of A और E of A find out करना है. So A vector potential जब हमें पता है, we can find H of A and E of A from this magnetic vector potential. और हम कैसे find out करते थे? If you remember, I will not go into the details. I will just recall हमने last time क्या discuss किया था. H of A हमने define किया था is defined like this. You can see H of A is 1 over mu times curl of A. तो जो भी आपके पास curl A given है, आप उसका curl find out कर लें, you will find H of A, और ये H of A ही आपका total overall magnetic field है. और जो आपके पास electric field है, we can find electric field E of A by using Maxwell's equation. और ये भी हमने last time काफी detail में discuss किया है. और इस Maxwell's equation में we actually substitute J is equal to 0. तो अगर आपको कोई चीज़ recall नहीं हो रही, you can always go back to that lecture and you would see how we find E of A using Maxwell's equation. So with these two equations we find H of A and E of A, which are actually the magnetic and electric fields. Okay, in order to find the curl E curl of A, it's better to actually have A transformed to spherical coordinates rather than Cartesian coordinates. तो हमारे पास यहाँ पे जो expression दी हुई है, ये rectangular coordinates की है या Cartesian coordinates की है, हम इसको transform कर देते हैं spherical coordinates में. और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हम अपेंडिक्स
जो आपका 7 है उसकी इक्वेशन 12a जो है वो आपको ट्रांसफॉर्म करिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो आपकी बुक के एंड पे भी दी हुई है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. ये इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशन होंगी देयर विल बी गिवन इन योर एग्जाम. सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल दीज, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू अप्लाई दीज. सो नाउ इन दिस केस जो हमारे पास ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, यू कैन सी दी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए इज ओनली एग्जिस्टिंग इन द जी डायरेक्शन. इसका मतलब है कि इसका ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट जो है ये जीरो होगा और ए जी जो है वो नॉन जीरो है, विच इज इक्वल टू दिस. तो इसका मतलब है ए एक्स भी जीरो है, ए वाई भी जीरो है, एंड ए जेड इज नॉन जीरो. सो फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यू कैन फाइंड द आर थीटा एंड फाई कंपोनेंट्स विच आर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. तो अब ए आर क्या होगा, ए आर विल बी दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस. सो वी कैन सी ए एक्स एंड ए वाई आर जीरो, इट मीन्स ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी एंड ओनली cos theta a z will be left. So a z cos theta will be here. Likewise a theta will be equal to a z times minus sine theta like this, and a phi will be this row multiplied by this column. So 0 multiplied by a z will be 0. So it means in this particular magnetic vector potential in rectangular coordinates, jab ye spherical coordinates mein jata hai to only r and theta components will exist, phi will not exist. Ab iske andar jo a z hai, what is a z? ए जेड इज ऑल द टर्म अलॉन्ग विद दिस यूनिट वैक्टर. ये जो पूरी की पूरी टर्म आपके पास गिवन है, यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ओवर हेयर, सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर टाइम्स कॉज ऑफ थीटा जो ये यहाँ पे दिया हुआ है. लाइक वाइज यहाँ पे भी आप सब्सटीट्यूट कर देंगे, यू विल गेट दिस नेगेटिव टर्म इन टू साइन ऑफ थीटा विद दिस. सो दिस इज द आर कंपोनेंट एंड दिस इज द थीटा कंपोनेंट ऑफ योर मैग्नेटिक वैक्टर पोटेंशियल. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एच फील्ड विच इज द कर्ल ऑफ ए डिवाइड बाय 1 ओवर परमियबिलिटी. सो इन ऑर्डर टू फाइंड कर्ल ऑफ ए हम अगेंस्ट अपेंडिक्स 7 में जाएंगे आपकी बुक के एंड में जो दिया हुआ है, और वहां पे जो इक्वेशन नंबर 26 है विच इज दिस लॉन्ग इक्वेशन यहां से लेके यहां तक जो जा रही है, ये इक्वेशन गिवन है इन ऑर्डर टू फाइंड द कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए व्हेन ए इज गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. सो यू कैन सी यहाँ पे जो पहली टर्म है इट विल गिव यू द आर कंपोनेंट, द सेकेंड टर्म विल गिव यू द थीटा कंपोनेंट, एंड द थर्ड कंपोनेंट विल गिव यू फाइ कंपोनेंट. सो इफ यू लुक क्लोजली हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है इसमें आर और थीटा कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं और फाइ कंपोनेंट जो वो जीरो है. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस होल बिग एक्सप्रेशन यू वुड सी दैट ओनली दी फाइ कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट विल बी लेफ्ट एट दी एंड. कैसे, हमें पता है ए फाइ जो है वो जीरो है तो पार्शल डेरिवेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए फाइ जीरो है, दिस टर्म विल भी जीरो. ए आर जो है, ए आर इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, इसमें फाइ की कोई टर्म नहीं है तो पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइ ये भी जीरो हो जाएगा. लाइकवाइज जो ए थीटा है, ए थीटा इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, इसमें भी फाइ का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये जो टर्म है दिस विल ऑल्सो भी जीरो. इसी तरह ये जो ए फाइ है इट इज ऑल्सो, इट्स ऑलरेडी जीरो, इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये भी जीरो हो जाएगी. तो दीज टू टर्म्स विल बी जीरो, ओनली दिस टर्म विल बी लेफ्ट. सो यू कैन सी दिस इज द टर्म ओवर हेयर, दिस इज योर कर्ल ऑफ ए विच इज दिस पार्ट. एंड वेन यू डिवाइड दिस कर्ल ऑफ ए बाय परमिबिलिटी 1/μ टाइम्स कर्ल ऑफ ए, you will get the H of A, and this H of A is the overall magnetic field H. So now you substitute R and theta from this and you substitute over here and you apply the partial derivatives with respect to R and with respect to theta, you would see that the R and theta components of H will come out to be zero, and it is evident from this expression over here as well that H is only in the phi component, there are no R component or theta component. So if there is no R and theta component, HR and H theta will be equal to 0. And H phi will be equal to whatever solution of this partial derivative is, will be your phi component, which comes out to be this. You can solve it yourself. Otherwise, you can use the expression directly as well. So this is the H component or the magnetic component of the magnetic field. So in order to find the E component jo hai wo, it will be same as E of A. क्योंकि आपके पास E ऑफ F जो है वो इक्वल टू जीरो है, और ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग दी मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो जैसा हमने बात की कि मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस H ऑफ A इज इक्वल टू J प्लस J ओमेगा परमिटिविटी टाइम्स E ऑफ A, एंड इन दिस केस हम लोग J इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू जीरो, सो E ऑफ A कम्स आउट टू बी 1 ओवर J ओमेगा परमिटिविटी डेल क्रॉस H ऑफ A. सो नाउ इन दिस केस अगर आप कर्ल ऑफ
एच ऑफ ए निकालें एंड देन यू डिवाइडेड बाय जे ओमेगा ई, यू विल गेट दी दी ई ऑफ ए विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब ये कर्ल ऑफ एच कैसे निकालेंगे, ये कर्ल ऑफ एच भी उसी तरह निकलेगा जिस तरह आपने कर्ल ऑफ ए निकाला है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो ए फाई ए थीटा ए आर है उसकी जगह आप एच थीटा एच फाई और एच आर यूज करेंगे। उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन ई ऑफ ए विल गिव यू द ओवरऑल ई। अब इस ई के केस में यू विल सी दैट ओनली द ए आर कंपोनेंट एंड ए थीटा कंपोनेंट विल एग्जिस्ट, ए फाई विल कम आउट टू बी जीरो। यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ एंड यू वुड सी बिकॉज ए फाई इज इक्वल टू जीरो देन ई फाई विल बी इक्वल टू जीरो, ओनली द ए आर एंड ए थीटा कंपोनेंट विल एग्जिस्ट एंड देयर वैल्यूज विल कम आउट टू बी लाइक दिस। अब ये जो आर ई आर ई थीटा और ई फाई के एक्सप्रेशन है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, जो कि आप मेजर कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये इसी तरह है जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि एक इनफाइनाइटिसिमल डायपोल है विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एंटेना। अगर आप यहाँ पे मेजरमेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इसकी ई आर ई थीटा और ई फाई के जो कंपोनेंट्स हैं यू कैन मेजर देम अकॉर्डिंग टू दीज एक्सप्रेशन एज वेल। तो आप एनालिटिकली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन वैल्यूज को एट अ डिस्टेंस आर। The important thing is that this the E and H components are valid everywhere except on the source itself. So R ki jo value it has to be non-zero. R zero nahi ho sakta. R zero hoga to it means you are on the surface of the sphere. R has to be some non-zero value. It means you are actually observing at a distance away from the source. So in that case, these expressions will define the strength of the electric field at a distance R from the source, which is the antenna in this case. तो ये जो दो एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास दी हुई है, दीज एक्सप्रेशन आर यूज टू एक्चुअली डिटर्मिन द ई एंड एच फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल। अब हम आगे जाके किसी भी एंटेना की जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इसकी डायरेक्टिविटी हो गई, इसकी रेडिएटेड पावर हो गई, इसकी इफेक्टिव एरिया हो गया, हम वो फाइंड आउट करेंगे कि इन केस ऑफ इनफाइनाइटेसिमल डायपोल ये वैल्यूज क्या होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट पावर डेंसिटी एंड रेडिएशन resistance. So for a lossless antenna, the real part of the input impedance is designated as the radiation resistance that power is transferred from the guided wave to the free space. So basically if we recall, हमने last time बात किया था कि कोई भी जो antenna है उसकी जो input impedance है, for example मैं Z A कह देता हूँ, is equal to a real part plus J X of A. So ये जो real part है, this real part contributes to the radiated power. जो ये इमेजिनरी पार्ट है ये रिएक्टिव पावर, इसको हम स्टोर्ड पावर भी कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो वेन एवर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द टोटल रेडिएटेड पावर, वी आर इंटरेस्टेड इन द रियल पार्ट ऑफ द इंपेडेंस ऑफ द एंटेना विच इज आर ऑफ ए। तो हम आज बेसिकली हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल पावर डेंसिटी of this particular antenna and we're going to find the radiation resistance as well. This is the radiation resistance, the resistance that contributes to the radiation of the electromagnetic waves. So usko hum radiation resistance bhi kehte hain. So it's also known as RR. So the complex pointing vector W can be written as W is equal to 1 over 2 E cross H conjugate. So if we just write down the complex pointing vector W as 1 over 2 E cross H conjugate. If you remember, हमने जब last time pointing vector discuss किया था in chapter number 2, हमने W को लिखा था 1 over 2 real of E cross H conjugate. ये W R E हमने क्यों यूज किया, ये भी बात क्लियर होगी कि ये आर ई हम क्यों लिखते हैं बेसिकली। सो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंटिंग वेक्टर है डब्ल्यू, इट एक्चुअली डिटरमिन्स द पावर डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। सो इन दिस केस इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड कॉन्जुगेट ऑफ एच फील्ड। और हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ई फील्ड भी हमारे पास गिवन है और एच फील्ड भी हम डिटर्मिन कर चुके हैं। सो अब ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट जो है वो कैसे निकलेगा, इट विल बी द कॉन्जुगेट, इट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एच कॉन्जुगेट। ई के अंदर कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, आर और थीटा, और जो एच है उसके अंदर खाली फाइव कॉम्पोनेंट है। सो वी कैन सी यहाँ पे एक आर कॉम्पोनेंट है और एक थीटा कॉम्पोनेंट है, और जो एच है उसमें खाली फाइव कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है विद ए कॉन्जुगेट ओवर हेयर। सो अब हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
फॉर द ई फील्ड एंड द कॉन्जुगेट ऑफ एच फील्ड. तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट विल रिजल्ट इन इन दिस एक्सप्रेशन. और ये हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से निकाल भी सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट ये किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले आप ऊपर यूनिट वेक्टर लिख लें, वो आपके पास ए आर, ए थीटा और ए फाई है. और ई के लिए आपके पास कौन सा कंपोनेंट्स हैं? ई के केस में आपके पास यू कैन सी यू हैव ई आर और ई थीटा का कंपोनेंट है और ये ज़ीरो है. और एच के केस में यू हैव ज़ीरो आर एंड थीटा कंपोनेंट एंड ओनली एच फाई एग्जिस्ट और इसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं. तो अब हम कैसे निकालते हैं इसको? दिस विल बी इक्वल टू जो ए आर कंपोनेंट है विल बी इक्वल टू वी विल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी ई थीटा एच फाइ कॉन्जुगेट माइनस ये जीरो हो जाएगा तो वी डोंट नीड टू राइट दिस. सेकेंड केस में क्या होगा? ई थीटा के केस में आप इसके लिए लिखेंगे माइनस ए थीटा एंड इट विल बी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस सो इट विल बी ई आर एच फाइ कॉन्जुगेट एंड दूसरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू जीरो. और जो फाइव कंपोनेंट है उसके लिए आप क्या करेंगे? यू विल लीव दीज टू. दिस मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, दिस मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो. सो ए फाइव कंपोनेंट नहीं होगा. सो इन दिस केस इट विल बी इक्वल टू ए आर ई थीटा एच फाइव कॉन्जुगेट माइनस ए थीटा ई आर एच फाइव कॉन्जुगेट. और ये वही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे ये गिवन है. अब आप इस केस में e थीटा h phi कॉन्जुगेट ये e थीटा की वैल्यू ये पूरी दी हुई है, h phi की ये पूरी वैल्यू दी हुई है. तो h phi कॉन्जुगेट क्या होगा? इसको सिर्फ इसका कॉन्जुगेट ले लें, जहां पे j है वहां पे माइनस j लिख दें आप. सो यू प्लग इन द वैल्यूज ओवर हेयर. तो ये जो कंपोनेंट है विच इज द रेडियल कंपोनेंट, इसको इसका प्रोडक्ट निकालने से आपके पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ द पावर डेंसिटी और द पॉइंटिंग वेक्टर ओमेगा आर निकल आएगा. इसी तरह ई आर को जब एच फाइव कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास थीटा कंपोनेंट आ जाएगा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू और फाइव कंपोनेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. तो बाय फाइंडिंग आउट दिस क्रॉस प्रोडक्ट यू कैन फाइंड द आर एंड थीटा कंपोनेंट ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर डब्ल्यू. ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंटिंग वेक्टर वी कैन एक्चुअली फाइंड दी रेडिएशन पावर रेडिएटेड जो और हमें पता है वो किसके बराबर होता है. वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन चैप्टर नंबर टू दैट पी रेडिएटेड इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल डब्ल्यू डॉट डी एस. और हमने कहा था ये किसके बराबर होता है? डब्ल्यू डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ए. ये भी आप रिकॉल कर सकते हैं, यू कैन गो बैक एंड चेक चैप्टर नंबर टू. और ये डी ए किसके बराबर होता है? इट इज आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई. और ये जो एन यूनिट वेक्टर है इट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियल कंपोनेंट ए आर. सो ये जो डब्ल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज माई डब्ल्यू. यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हेयर. यू कैन सी दिस इज ए आर, दिस इज द रेडियल कंपोनेंट एंड दिस इज द थीटा कंपोनेंट. देर शुड टू बी हैट ओवर हेयर एज वेल. और जो आपके पास डी एस है विच इज नथिंग एल्स बस ए आर टाइम्स आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव. देयर शुड टू बी हैट हेयर एज वेल. सो व्हेन यू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस ए थीटा और ए आर बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये डॉट प्रोडक्ट जो होगा इट विल बी जीरो. ये जो ए आर और ए आर है इसका डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू वन. सो इट विल बी डब्ल्यू आर इंटू आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव. सो नाउ दिस सरफेस इंटेग्रल विल बी जीरो टू टू पाए 0 टू पाए डब्ल्यू आर आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई. सो अब इस केस में आपको पता है कि आपके पास जो डब्ल्यू आर है दिस डब्ल्यू आर इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड आर. देर इज नो फाई कंपोनेंट इन इट. हियर यू कैन सी इस पूरे के अंदर फाई कंपोनेंट नहीं है. तो जब इसमें फाई कंपोनेंट नहीं है तो ये जो इंटेग्रल 0 टू 2 पाए है ये डी फाई उसमें चला जाएगा. यू विल गेट 2 पाए ओवर हेयर. एंड ये जो बाकी एक्सप्रेशन है इट विल बी जीरो टू पाए डब्ल्यू आर आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा. इफ यू सॉल्व दिस इंटेग्रल यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यू विल सी कि आपके पास ये जो टोटल पावर रेडिएटेड आएगी इट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर. अब ये क्या है? दिस इज ईटा टाइम्स पाए बाय थ्री आई नॉट एल ओवर लेमडा एब्सोल्यूट स्क्वेयर टाइम्स वन माइनस जे वन ओवर के आर क्यूब. अब आपको पता है ये पूरी की पूरी टर्म्स दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स आई
ये ईटा पाई बाय थ्री, आई नॉट भी इज कॉन्स्टेंट, लेंथ भी कॉन्स्टेंट है, लेमडा भी आपके पास कॉन्स्टेंट है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय वन एंड दिस इमेजिनरी पार्ट. सो वैन यू मल्टीप्लाइड इट इन द ब्रैकेट, जब ये वन से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी अ रियल वैल्यू, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा इट विल बी अ इमेजिनरी वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस जे टर्म ओवर हेयर. सो हमें पता है कि जो ये जो पावर आपके पास आ रही है इट्स अ कम्प्लेक्स पावर, क्योंकि एक इसका रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है. तो जब भी हम रेडिएटेड पावर की बात कर रहे हैं, पी रेडिएटेड इज, एक आपके पास रियल पार्ट है और एक आपका इमेजिनरी पार्ट है. तो आपको आपको लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो रेडिएटेड पावर होती है इट इज़ ऑलवेज द रियल पावर, जो इमेजिनरी पावर होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंस, इट्स नोन एज रिएक्टिव पावर एंड दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिव पावर और द रेडिएटेड पावर. ये जो पावर होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंस पार्ट ऑफ द एंटेना इम्पेडेंस, जो हमने इससे पहले बार डिस्कस की थी. लेट मी जस्ट रिकॉल इट हियर, कि आपके एंटेना का जो रेजिस्टिव पार्ट होता है इट कंट्रीब्यूट्स टू द रेडिएटेड पावर, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है इट इज द स्टोर्ड पावर. तो नाउ इन दिस केस जो आपके पास टोटल रेडिएटेड पावर आ रही है, हमारे पास एक रियल पार्ट आ रहा है और इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है विच वी कैन सी ओवर हेयर. तो इसका जो रियल पार्ट है, दिस रियल पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू द रेडिएटेड पावर. और जो इमेजिनरी पार्ट है इट इज द स्टोर्ड पावर, जिसको हम रिएक्टेंस पावर भी कहते हैं. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल रेडिएटेड पावर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसका रियल पार्ट ले लेना है. इफ यू टेक कंसिडर द रियल पार्ट दैट विल बी द रेडिएटेड पावर. दिस इज वाई जब हम W, which is the pointing vector or the power density expression, जब हमने ये निकाला था, हम उसके साथ पहले ही एक आर ई की टर्म लिख लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड द रियल ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट. सो वैन यू टेक द रियल ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट एट द एंड, ये इमेजनरी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाती है बिकॉज यू आर ओनली कंसिडरिंग द रियल पार्ट. सो इन दिस केस जो पी रेडिएटेड आएगा इट विल बी द रेडिएटेड पावर ओनली. सॉरी, सो इन दिस केस आपके पास जो पी जो रियल ऑफ दैट वैल्यू विच इज दिस वन, ये लेने से आपके पास जो पावर आएगी इट विल ओनली बी द रेडिएटेड पावर, नॉट द स्टोर्ड पावर. सो यही बात यहाँ पे आगे कंक्लूड की हुई है कि दैट द ट्रांसवर्स कंपोनेंट डब्ल्यू थीटा, दिस इज द थीटा कंपोनेंट डब्ल्यू थीटा ओवर हेयर, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इंटेग्रल, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो रहा है. दस पी डज नॉट रिप्रेजेंट द टोटल कॉम्प्लेक्स पावर रेडिएटेड बाय द एंटेना, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल पावर है वो रेडिएट नहीं हो रही, देर इज ए पार्ट विच इज स्टोर्ड पावर एज वेल, और जो एक सर्टन पार्ट है दैट इज बींग रेडिएटेड नाउ, which is the real power. So W theta is purely imaginary and does not contribute to any real radiated power. And we can see over here as well कि ये जो आपके पास W theta है, this is imaginary. See, there is a J term over here. So in this case, जो W theta है, it does not contribute to the real power. It contributes to the imaginary power, which is also called reactive power. And the reactive power density is most dominant for small values of kr. And we can see over here as well. इस पी की अगर एक्सप्रेशन देखें, ये जो हमने एक्सप्रेशन देखी है, इफ के इज स्मॉल देन क्यूब ऑफ इट विल बी इवन स्मॉलर एंड वन ओवर अ वेरी स्मॉल वैल्यू विल बी अ लार्ज वैल्यू. इट मीन्स इस केस में जो आपके पास रिएक्टिव पावर होगी ये डोमिनेंट होगी. और यही बात हम कहते हैं कि नियर फील्ड के अंदर आपके पास वैन के आर इज फार लेस देन वन, वैन के आर इज फार लेस देन वन विच इज द नियर फील्ड, के आर फार लेस देन वन के केस में जो रिएक्टिव पावर होती है ये डोमिनेंट होती है, विच इज द स्टोर्ड पावर. तो इसका मतलब है कि पावर रेडिएट नहीं कर रही, इट इज ओनली बीइंग स्टोर्ड. सो नाउ इन दिस केस अवर द टाइम एवरेज पावर रेडिएटेड, पी रेडिएटेड हमारे पास कितना होगा, पी रेडिएटेड विल बी द रियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड आउट किया, एंड वी कैन सी इट इज नथिंग एल्स बट दिस टर्म multiplied by 1. So it is eta times pi by 3 I naught L over lambda square. This is your radiated power, which is shown over here as well. What about the reactive power? तो ऑब्वियसली जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वट एवर टर्म यू हैव विद जे विल बी द रिएक्टिव पावर.
सो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ के आर, जब हम लार्ज वैल्यूज ऑफ के आर की बात करेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट के आर ग्रेटर देन वन, इट इज फार फील्ड, दिस इज नियर फील्ड. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फार फील्ड, जो आपके पास रिएक्टिव पावर है ये डिमिनिश हो जाएगी, वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं. व्हेन के आर, दिस टर्म के आर विल बी वेरी लार्ज, इन दैट केस वन ओवर अ वेरी लार्ज वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट जीरो. सो इन दैट केस ओनली द रिएक्टिव पावर विल एग्जिस्ट. सो इसीलिए जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि फार फील्ड के केस में ओनली रियल पावर एग्जिस्ट, जो रिएक्टिव पावर है वो जीरो हो जाती है, बिकॉज के आर इज फार ग्रेटर देन वन. और फ्री स्पेस के केस में ईटा जो है इसकी वैल्यू होती है 120 पाई, दिस ईटा इज इक्वल टू 120 पाई, उसका यूनिट होता है ओम. ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है, इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे. ओके, सो अब जो हमने अभी बात की कि ये जो रेडिएटेड पावर हमारे पास निकली है, इट इज कॉज्ड बाय द रेडिएटिव, दिस रेडिएटिव पावर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द रियल रेजिस्टेंस और द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ द एंटेना, जो कि हमने आर आर से रिप्रेजेंट किया था. सो पी रेडिएटेड हमने निकाल दिया था, ईटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 आई नॉट एल ओवर लैम्डा एब्सोल्यूट स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू द पावर रेडिएटेड बाय द रेडिएशन रेजिस्टेंस. अब हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल करंट कितना है, वो आई नॉट है, और टोटल पावर कितना होगी, आई नॉट स्क्वेयर टाइम्स द रेजिस्टेंस. और हमें पता है कि कॉन्जुगेट मैचिंग केस, जो हमने इफ यू रिमेंबर हमने चैप्टर नंबर 2 में बात की थी, कॉन्जुगेट मैचिंग के केस में योर आर जी इज इक्वल टू आर आर प्लस आर एल एंड एक्स जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ए और विच इज इक्वल टू yeah like this x a and these two is equal to r a which is the antenna resistance. तो ये जो condition है, this is called conjugate matching case. तो ये जब case आपके पास होता है, तो आपके पास जो p radiated आता है, it is equal to half of the total current times the radiation resistance. क्योंकि आधी power जो है वो decimate हो जाती है within the generator, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है. एंड सिंस वी आर कंसिडरिंग आर लॉसलेस केस, तो ये आर इज इक्वल टू जीरो है, तो आर जी इज इक्वल टू आर आर. तो इस केस में आपके पास जो रेजिस्टेंस है, द मॉडल इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज आर जी एंड दिस इज बी जी एंड यू हैव एन आर आर, और आर एल जो है वो जीरो है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो ये जो वोल्टेज है, बिकॉज दीज टू रेजिस्टेंसेज आर सेम, तो आधी पावर इसके गिर्द यहाँ पे, यानी यहाँ पे डेसिपेट हो जाएगी, एंड आधी पावर जो है वो रेडिएट होगी इन दिस केस. सो जो टोटल पावर है वो है आई स्क्वेयर आर, जो भी आपकी रेजिस्टेंस है, एंड इट विल बी हाफ ऑफ दैट. ये हम पहले भी बात डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो इन दिस केस हम आर जो रेडिएटेड रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, एंड इट कम्स आउट टू बी टू दिस. हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन की है. आर आर द रेडिएशन रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी ईटा टाइम्स 2 पाई बाय 3 एल बाय लैम्डा होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर एल बाय लैम्डा होल स्क्वायर. सो इफ यू वांट टू फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर इनफाइनाइटेसिमल डायपोल, इट कम्स आउट टू बी दिस. So let's have a look at a small example. This is example 4.1. Find the radiation resistance of an infinitesimal dipole whose overall length is L is equal to lambda by 50. तो जो आपके पास dipole दिया हुआ है, infinitesimal dipole, उसकी length दी हुई है lambda by 50. तो हमें find out करनी है इसकी radiation resistance. तो वो radiation resistance की expression हम देख चुके हैं, it is 80 pi square L by lambda whole square. तो just substitute the value of L, which is lambda by 50 over here, you can see it comes out to be 0.3. 16 ओम. तो ये रेडिएशन रेजिस्टेंस है आपके इनफाइनाइटेसिमल डायपोल की, जिसकी लेंथ है लैम्डा बाय 50. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो वैल्यू आपको मिली है 0.316 ओम, इट विल प्रेजेंट अ वेरी लार्ज मिसमैच व्हेन कनेक्टेड टू अ प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन. तो अगर मैं इस एंटीना को एक प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो जो मेरे पास रिफ्लेक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो ज्यादातर आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनकी करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस 50 या 75 ओम्स होती है. जिस तरह हम चैप्टर नंबर 2 के बाद जब हमने ट्रांसमिशन लाइन का टॉपिक डिस्कस किया था, वी सेड कि जो करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है ट्रांसमिशन लाइन्स की वो मोस्टली 75 ओम या 50 ओम होती है. सो इन दिस केस अगर एक 50 ओम या 75 ओम ट्रांसमिशन लाइन को आप कनेक्ट करेंगे 0.3 ओम के एक एंटीना के साथ, तो देयर विल बी अ ह्यूज रिफ्लेक्शन मिसमैच, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा जो है इट विल बी
ऑलमोस्ट इक्वल टू वन, क्योंकि पता है कि गामा किसके बराबर होता था, जस्ट टू रिकॉल, इट विल बी इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। और हमें पता है कि गामा की वैल्यू जो है वो जीरो और वन के बीच में रहती है, एस वी हैव सीन इट इन दी स्मिथ चार्ट एज वेल, ये यूनिट सर्कल से रिप्रेजेंट हुआ होता है। सो इफ गामा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन, तो मेरे पास जो रिफ्लेक्शन एफिशियंसी है ई आर विच इज वन माइनस गामा स्क्वेयर, ये तकरीबन तकरीबन जीरो के बराबर चली जाएगी। व्हेन गामा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन, वन माइनस वन विल बी जीरो। सो इट मीन्स रिफ्लेक्शन जो एफिशिएंसी है वो इट विल रिड्यूस, और जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होती है, ई आर टाइम्स ई सी डी, वेर ई सी डी इज द कंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द एंटेना। सो अगर ई आर रिड्यूस करेगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी रिड्यूस कर जाएगी, दैट इज ऑल व्हाट इज सेड सेड ओवर हियर। द रिफ्लेक्शन एफिशिएंसी ई आर एंड हेंस द ओवरऑल एफिशिएंसी ई नॉट विल बी वेरी स्मॉल इन दिस केस। सो लेट्स टॉक अबाउट द नियर फील्ड इंटरमीडिएट फील्ड एंड द फार फील्ड रीजन एंड हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स दे आर वेरिड विद रिस्पेक्ट टू द रीजन दैट दैट इज अंडर कंसिडरेशन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम नियर फील्ड की बात करते हैं, सो नियर फील्ड के लिए के आर इज फार लेस देन वन, सो इन दिस केस आपके पास जो ई आर और ई आर ई थीटा ई फाई और एच आर एच थीटा एच फाई की जो एक्सप्रेशन हमने पहले निकाली थी, दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर एन इनफाइनाइट डेसिमल डायपोल, ये जो एक्सप्रेशन है दे विल रिड्यूस डाउन टू अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम एक को एक्सप्लेन कर देंगे एंड आई विल लीव द रिमेनिंग फॉर यू टू लुक एट योर सेल्फ। सो फॉर योर नियर फील्ड रीजन के आर इज फार लेस देन वन, या फिर आर इज फार लेस देन वन ओवर के। जो के होता है इट इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर, और ये होता है ओमेगा टाइम्स म्यू विच इज योर परमिबिलिटी टाइम्स परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है टू पाई बाय लेमडा के। सो इट मीन्स आर शुड बी लेस देन इक्वल टू लेमडा अपॉन टू पाई, यही बात यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। सो इफ के आर इज फार लेस देन वन, तो हमारे पास ये जो ई फील्ड के कॉम्पोनेंट्स हैं इनका क्या बनेगा। सो इफ यू गो बैक टू दिस एक्सप्रेशन, सो लेट्स टॉक अबाउट ई आर फर्स्ट। अब ये जो ई आर है, नाउ वी हैव दिस के आर विच इज फार लेस देन वन, सो इफ दिस इज फार लेस देन वन, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट जो होगा ये डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि वन ओवर स्मॉल वैल्यू विल बी अ लार्ज वैल्यू। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दिस केस दिस एलिमेंट विल बी डोमिनेंट। ये जो जे की टर्म न्यूमिनेटर में, ये ऊपर जाके डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी, इट विल बी अ माइनस जे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू एंड यू कैन फाइंड द रिमेनिंग वंस योरसेल्फ। सो इन दिस केस ई आर इज इक्वल टू माइनस जे टाइम्स ईटा, ईटा विच इज दिस, एंड देन आई नॉट एल cos of theta whole divided by 2 pi r square, और ये नीचे आपके पास के आर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जे आप ऊपर ले जाओ, नीचे आपके पास के आर आ गया, के आर भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, एंड यू हैव के ओवर हेयर, एंड देन यू हैव ई रेस पावर माइनस जे के आर, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे देखें, ई आर इज माइनस जे ईटा आई नॉट एल ई रेस पावर माइनस जे के आर over 2 pi k r cube cos of theta which is this over here. Likewise, जो आपके पास I will just मैं आपको overview दे दूंगा, बाकी आप इसको खुद देख सकते हैं। जो e theta इसके केस में ये जो third term है only this will be the most dominant one, क्योंकि k r बहुत छोटी वैल्यू है तो द स्क्वायर ऑफ इट विल बी इवन स्मॉलर, तो जो थर्ड टर्म होगी दिस विल बी डोमिनेंट, तो ये पहली दो टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस केस में आपके पास जो टर्म आ रही है जे टर्म यहाँ पे आ रही है और ये नेगेटिव टर्म यहाँ पे लिखा है, तो इट विल बी माइनस जे टाइम्स दिस होल एक्सप्रेशन। सो यू कैन सी ओवर हेयर एज वेल, आपके पास ई थीटा के साथ माइनस जे टाइम ये एक्सप्रेशन आ रही है, और जो ई फाई एच आर एच थीटा ये ऑलरेडी जीरो है, और एच फाई जो है इफ यू टॉक अबाउट एच फाई you can see in this case only this will be the dominant case. तो इस केस में ये जो j है ये यहाँ पे है, ये j डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके न्यूमिनेटर में माइनस j हो जाएगा, j j से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी जे स्क्वायर, जे स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बी अ रियल वैल्यू। अब ये जो r और थीटा की वैल्यूज थी वो हमने देखा कि r और थीटा की वैल्यूज इमेजिनरी हैं, जबकि h phi इज रियल,
ये आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस थी ई और एच फील्ड की, नियर फील्ड के केस में दे विल रिड्यूस डाउन टू दीज एक्सप्रेशंस। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो ई आर और ई थीटा है दे आर इन टाइम फेज, वी कैन सी बोथ आर इमेजिनरी वैल्यूज। ई आर एंड ई थीटा आर इन टाइम फेज क्वाड्रेचर विद एच फाई। अब ये जे है और ये रियल पार्ट है, ये क्वाड्रेचर पार्ट है और द इमेजिनरी पार्ट है, दे आर 90 डिग्री विद ईच अदर, दे आर क्वाड्रेचर इन नेचर। सो देयर फॉर इन दिस केस नो टाइम एवरेज पावर विल फ्लो एसोसिएटेड विद दैम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्वाड्रेचर हैं, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी यू कैन से एनी रेडियल कंपोनेंट और दी रेडिएशन इन दी रेडियल डायरेक्शन। तो यही अभी हो रहा होता है कि नियर फील्ड के केस में आपके पास सिर्फ एनर्जी स्टोर हो रही होती है, देर इज नो रेडिएटेड पावर, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि नियर फील्ड में जो रिएक्टिव पावर है ये डोमिनेट होती है, एनर्जी इज नॉर्मली स्टोर्ड, नो पावर इज रेडिएटेड। एंड वो पावर रेडिएट क्यों नहीं हो रही, बिकॉज ई आर ई थीटा आर इन टाइम फेज क्वाड्रेचर विद एच ऑफ फाई, ये रियल पार्ट है, दीज आर क्वाड्रेचर और इमेजिनरी पार्ट्स। इसी तरह जब हम इंटरमीडिएट फील्ड रीजन की बात करते हैं, व्हेन के आर इज ग्रेटर देन वन, अब इस केस में क्या होगा, आर विल बी ग्रेटर देन लैम्डा बाय टू पाई। अब इस केस में व्हेन के आर इज ग्रेटर देन वन, आपके पास ई आर ई थीटा ई फाई ये जो सारी टर्म्स हैं, अब ये किस तरह रिड्यूस होंगी। नाउ इन दिस केस इफ यू गो बैक हेयर यू कैन सी ई आर के केस में व्हेन के आर इज ग्रेटर देन वन, अब इस केस में ये टर्म डिमिनिश हो जाएगी क्योंकि नाउ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन वन, के आर की जो वैल्यू इट इज ग्रेटर देन वन, तो वन ओवर लार्जर वैल्यू विल बी अ स्मॉलर वैल्यू। सो इस केस में ये जो पार्ट है ये डिमिनिश हो जाएगा, ओनली द रियल पार्ट विल लेफ्ट। तो आपके पास हो जाएगा ईटा आई नॉट एल कॉस थीटा ओवर टू पाई आर स्क्वेयर ई रेशो माइनस जे के आर, विच यू कैन सी ओवर हेयर एज वेल, ईटा आई नॉट एल ई रेशो माइनस जे के आर ओवर टू पाई आर स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा। लाइकवाइज आप ई थीटा और एच फाइव की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ एंड यू वुड सी कि आपके पास ये एक्सप्रेशन आएंगी फ्रॉम दीज एक्सप्रेशन। अब इस केस में व्हेन के आर इज ग्रेटर देन वन, सेकेंड और थर्ड टर्म अब आपकी इग्नोर हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म आप रखेंगे, जिस तरह आपने ई आर के केस में फर्स्ट टर्म रखी थी सेकेंड टर्म को इग्नोर कर दिया था, ई थीटा के केस में भी फर्स्ट टर्म खाली कंसिडर होगी, ये दोनों टर्म्स डिस्कार्ड हो जाएंगी, एच फाइव के केस में भी फर्स्ट टर्म रखेंगे और ये वाली टर्म डिस्कार्ड हो जाएगी। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएंगी इट विल बी दीज एक्सप्रेशन। अब अगर इन एक्सप्रेशन को देखें यू वुड सी कि अब आपके पास जो फॉर इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ के आर ई थीटा एंड एच फाई, ये जो ई थीटा और एच फाई है यू कैन सी देयर आर इन टाइम फेज विद ईच अदर, बोथ आर जे टर्म्स हेयर। तो जब ये दोनों टाइम फेज के अंदर हैं सो इसका ये इंडिकेशन है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टाइम एवरेज पावर फ्लो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन विच इज द रेडियल डायरेक्शन, जिसको हम रेडिएशन फिनोमेना कहते हैं। जब ई थीटा और एच फाई बोथ आर इन टाइम फेज, नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू विल राइज टू सम रेडिएशन इन द रेडियल डायरेक्शन। और यही हो रहा होता है कि जैसे जैसे आप यू मूव अवे फ्रॉम द नियर फील्ड, आपके पास रेडिएशन जो है इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस और स्टार्ट्स टू प्रोपगेट। तो फार फील्ड में क्या होता है, व्हेन के आर इज फार ग्रेटर देन वन, अब इस केस में ये वाली यही कंडीशन जो इंटरमीडिएट के केस में यही एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करेंगी। द ओनली डिफरेंस इज व्हेन के आर इज फार ग्रेटर देन वन, इट मींस आर इज फार ग्रेटर देन लैम्डा बाय टू पाई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके पास रेडियल कंपोनेंट है इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द रेजिस्टेंस। तो अगर आपके पास आर की वैल्यू बहुत बढ़ गई है तो ये स्क्वेयर की टर्म्स इट विल बी इवन लार्जर, और चूंकि ये डिनोमिनेटर में है ये जो ई आर है इट विल अप्रोच टू जीरो, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, तो टू पाई आर स्क्वेयर विल लीड टू ई आर बींग जीरो, बाकी जो ई थीटा और एच फाई है इट विल रिमेन द सेम बिकॉज बोथ आर 4 पाई आर। तो ई आर चूंकि स्क्वेयर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ई थीटा जो है वो खाली आर से प्रोपोर्शनल है, तो जो ई आर की टर्म है इन केस ऑफ फार फील्ड ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो यू कैन अप्रोक्सीमेट ई आर टू बी इक्वल टू जीरो एज वेल। सो द ओनली कंपोनेंट्स दैट विल एग्जिस्ट इन फार फील्ड विल बी ई थीटा कंपोनेंट एंड एच फाई कंपोनेंट विच आर गिवन ओवर हियर लाइक दिस। सो अब इस केस में जो रेशो है ई थीटा और एच फाई की, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, जो रेशो है इसको हम जेड डब्ल्यू कहते हैं और ये होती क्या, ये भी बात करेंगे इस बारे में, एच फाई इसको हम ईटा भी कहते हैं, और ये वही ईटा है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था विच कम्स आउट टू बी 120 पाई।
और ये जो जेड डब्ल्यू है, जेड इज बेसिकली द इम्पिडेंस और डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द वेव. सो जो जेड डब्ल्यू है इट इज नोन एज वेव इम्पिडेंस एंड ईटा इज द इट्स ऑल्सो नोन एज ईटा विच इज द इंट्रेंसिक इम्पिडेंस और इसकी वैल्यू 120 पाए या 377 ओम्स होती है. और इस केस में ई एंड एच फील्ड कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमें पता है ई और फी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वी कैन फाइंड द पॉइंटिंग वैक्टर टू बी रेडिएटिंग इन द रेडियल डायरेक्शन. सो यही बात हो रही है यहाँ पे दैट द रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल इन द फार फील्ड रीजन ऑफ ऑल एंटेनास ऑफ फाइनाइट डायमेंशन. तो जब भी हमने किसी एंटेना की बात करनी है कि उसका ई और एच फील्ड फार फील्ड में कैसा होगा, उसकी ई थीटा और एच फाई विल बी रिप्रेजेंटेड बाई दीज एक्सप्रेशंस दैट वी हैव ओवर हियर एंड रेस्ट ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू जीरो इन फार फील्ड एंड मोस्टली वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फार फील्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एंटेना. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्टिविटी, तो जिस तरह हमने बात की कि जो आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर है जिसको हम पावर डेंसिटी भी कहते हैं डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स रियल ऑफ ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट एंड वी नो व्हाट वी हैव व्हाई वी हैव आर ई ओवर हियर बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रियल पार्ट ऑफ इट और द रेडिएटेड पावर इन दिस केस. अब इसके अंदर आप ई और एच जो है यू हैव ई थीटा ओवर हेयर एंड ई फाई एच फाई ओवर हेयर एंड सिंस वी नो दैट ईटा इज इक्वल टू e theta upon h phi, we can write h phi as e theta over eta. और अगर मैं इसका conjugate ले लूँ तो इसका मैं conjugate ले लूँगा, they will both be the same. eta चूँकि constant है इसका conjugate will not make any difference. तो जब मैं 1/2 times real of e cross h conjugate करूँ, I can write it as 1/2 real e cross h conjugate किसके बराबर है, इसके बराबर है. सो इट विल बी e over eta, आई विल हैव conjugate over here. ये जो कि कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा एंड आई कैन राइट इट एज 1/2 eta. और हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स एंटिटीज विल बी एब्सोल्यूट स्क्वायर. ठीक है, ये आप निकाल भी सकते हैं. सो चूंकि ये थीटा है तो आई विल जस्ट राइट थीटा ओवर हियर. ये आप निकाल के भी देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हो आपके पास, आप उनका ई और ई कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट एब्सोल्यूट स्क्वायर एज अ रिजल्ट और इट विल बी 1/2 पाई. अब हमारे पास ई और एच जो है दे आर थीटा कंपोनेंट एंड फाई कंपोनेंट. तो जब थीटा और फाई का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो रेडियल कंपोनेंट निकलेगा. सो वी कैन सी वी हैव रेडियल कंपोनेंट ओवर हियर. सो दिस इज द रेडिएटेड द एवरेज पावर डेंसिटी इज इक्वल टू ए आर विच इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियल कंपोनेंट 1/2 ईटा ई थीटा एब्सोल्यूट स्क्वायर सो विच इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर. सो ऑल वी नीड टू डू इज कि जो ई थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है यू सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो जे की टर्म बीच में नहीं आएगी. ठीक है, और वो वाली आप इसमें सब्सटीट्यूट करें यू विल सी के दिस इज द एवरेज पावर डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल डायपोल. और पावर डेंसिटी से हम रेडिएशन इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. वो मैं सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि यू जो है इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स पावर डेंसिटी एवरेज पावर डेंसिटी. और इसको आप सिंपल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये आर स्क्वायर से कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर दिस वन. और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रिलेट करूं ई थीटा की एक्सप्रेशन से सो यू कैन सी विद लिटिल कंपैरिजन यू कैन सी किसके अंदर जो चीज़ मिसिंग्स हैं उनको आप बाहर लिख लें तो ये आपके पास ओवरऑल एक्सप्रेशन आ जाती है रेडिएशन इंटेंसिटी की विच इज़ आर स्क्वायर ओवर टू ईटा टाइम एब्सोल्यूट ऑफ ई थीटा जो भी आपके पास पैटर्न है उसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर. अब ये जो फंक्शन है ई थीटा का यू कैन सी दिस ई थीटा इज ए फंक्शन ऑफ इज ए साइन थीटा और साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है we know sin theta is maximum at pi by 2. So if you substitute pi by 2 over here, तो ये sin theta जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और e theta का ये जो remaining value है इसका absolute square ले लें आप, you would see that the maximum radiation intensity will be equal to this expression over here, which is eta over 2 times absolute of k I naught l over 4 pi absolute square. और डायरेक्टिविटी कैसे निकलते हैं, इट इज 4 pi u max over p radiated. ये भी हमने फोर्थ सेकेंड चैप्टर में हमने ये चीज़ देखी थी. u max की वैल्यू आपको गिवन है, ये हमने ऑलरेडी देख ली. और जो p radiated है अगर आप वापस जाएँ तो p radiated की एक्सप्रेशन हमने देखी थी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर p radiated. सो ये वैल्यू p radiated की आप सब्सिट्यूट करें
यहाँ पे और यू मैक्स की यहाँ से इसमें पुट करें, यू वुड सी कि आपके पास जो डायरेक्टिविटी निकलती है विच इज़ द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी, इट कम्स आउट टू बी 3/2 एंड दिस इज द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑफ ए इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल और हर्ट्जियन डाइपोल। ओके, और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर, तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर है, ये भी सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था, इट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ओवर 4π टाइम्स मैक्सिमम डायरेक्टिविटी। तो ये जो 3/2 की टर्म है आप यहाँ सब्सिट्यूट कर दें, दिस इज योर मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर विच इज 3λ² / 8π। और जो रेडिएटेड पावर है, यू गो बैक, यू कैन सी जो रेडिएटेड पावर है, दिस वन इज इक्वल टू दिस रिलेशनशिप विच इज अबाउट रेडिएशन रेजिस्टेंस। यहाँ से आप रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमने पहले निकाली थी, विच इज इक्वल टू दिस ईटा 2π/3 L/λ। ये वही वैल्यू यहाँ पे दोबारा रिपीट हुई हुई है, इट इज जस्ट शोइंग द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ ए इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल। अब अगर हम इस यू विच इज द रेडिएशन इंटेंसिटी, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, अगर हम इसको प्लॉट करें, यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग एल्स बट अ फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, देर इज नो फाई कंपोनेंट हेयर। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ 0 to 2π and 0 to π, यू कैन सी इट विल इट्स का 3D पैटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस। एंड अगर मैं इसके एच प्लेन को देखूँ, इसका एच प्लेन कौन सा, इट इज इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप यू लुकिंग एट द एक्स वाई प्लेन के अंदर यू कैन सी यू आर जस्ट लुकिंग एट अ सर्कल, ठीक है, बिकॉज वो फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है। और अगर मैं इसके यानी z y plane को देखूं, which is the e plane, इस केस में मुझे एक figure of 8 नजर आएगा, और इस एक figure of 8 को मैं देख के कह सकता हूं कि at theta is equal to 90 मेरे पास maximum radiation है, जो कि हमने पीछे भी देखी थी यहाँ पे कि जो maximum value है intensity की, radiation intensity की, it is at π/2। Here we can see it is at π/2 when theta is equal to π/2, ठीक है। So let's conclude our lecture here. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल डायपोल को डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी दैट हाउ वी कैन एक्चुअली फाइंड अगेन दी ऑक्सिलरी पोटेंशियल फंक्शन इन दैट केस एंड देन हाउ वी कैन यूज दैट टू फाइंड द ई एन एच फील्ड एंड देन द डायरेक्टिविटी एंड ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव सीन फॉर इनफाइनाइटेसिमल डायपोल। थैंक यू वेरी मच।